एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ क्विक दिवाली लुक बुक। आई नो मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ, लेकिन आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट जो मेरा लुक है वो है इस अनारकली कुर्ते के साथ। बहुत ही सिंपल सा लुक है, बिल्कुल लाइट मेकअप है। और इसके साथ मैंने वेयर किए हैं ये झुमके, मल्टी कलर के हैं ये। और इसके साथ मैंने वेयर किया है ये पिंक कलर का दुपट्टा। तो इस तरीके के प्लेन सूट के साथ आप कोई भी हैवी दुपट्टा या लाइट वेट दुपट्टा यूज़ कर सकते हैं। बालों को मैंने खुले छोड़ा है, साइड में एक पिन लगाया है, छोटी सी बिंदी से मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है। नाउ इसी सूट को मैंने एक थोड़ा सा हैवी लुक देने के लिए मैंने ये दुपट्टा यूज़ किया है। और पीछे के जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज सेम हो गया है। तो ये जो दुपट्टा है इस पर थोड़ा सा वर्क हो रखा है, जिससे ये सूट को थोड़ा सा हैवी लुक दे रहा है। साथ मैंने बनाया है एक बन, आगे से मैंने थोड़े से बाल जो हैं वो साइड में छोड़े हुए हैं। और मेकअप सेम था जो लास्ट लुक में था, तो दोनों ही लुक को आप ऑफिस में भी कैरी कर सकते हैं इजीली। और इसके साथ मैंने बहुत ही छोटे से इयररिंग पहने हैं और एक छोटी सी बिंदी के साथ मैंने इसको कम्प्लीट किया है। नेक्स्ट जो है वो है साड़ी लवर्स के लिए। अगर आप भी मेरी तरह साड़ी लवर हैं तो ये लुक आपके लिए है। तो दिवाली पर आप इस तरीके की कोई साड़ी वेयर कर सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है ये साड़ी, जॉर्जेट की साड़ी है। साटन पट्टी का इस पर वर्क है एंड पिंक एंड ऑरेंज कलर का इस पर प्रिंट है। और ये जो साड़ी है ये मैंने काफ़ी टाइम पहले परचेज़ की थी। और इसके साथ मैंने ये पर्ल का एक नेक पीस वेयर किया है, बहुत ही सुंदर है ये और बहुत ही अच्छा लुक दे रहा था इसके साथ। और हाथों में मैंने पहना है ये बैंगल, ये भी पर्ल का बैंगल है। तो बहुत ही सिंपल और एलिगेंट लुक ये इसके साथ दे रहा है। तो अगर आप एक सिंपल लुक चाहते हैं तो इस तरह की साड़ी आप वेयर कर सकते हैं। और इसके साथ बहुत ही मैंने लाइट मेकअप रखा है, बाहर से बहुत ज़्यादा लाइट आ रही थी तो इस वजह से उतना क्लियर नहीं आ रहा है। छोटी सी मैंने बिंदी वेयर की है इसके साथ। बालों को मैंने अपने खुले रखा है, आप चाहें तो जूड़ा भी बना सकते हैं। और इसके साथ जो ब्लाउज़ है वो मैंने कॉन्ट्रास्ट में पिंक कलर का रखा है, हालांकि इसमें ऑरेंज कलर भी है। और इस तरह की जो साड़ियाँ होती हैं वो आपको एक स्लिम लुक भी देती हैं, तो आप ऐसी साड़ियाँ ज़रूर ट्राई करें अगर आपके वार्डरोब में है तो। और इसके साथ हील्स वेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नाउ इस साड़ी को थोड़ा सा बोल्ड लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लुक जो है वो चेंज कर लिया है। तो हाथों में मैंने बैंगल्स वेयर कर लिए हैं पिंक कलर की, एंड गले में मैंने पिंक कलर का एक नेक पीस वेयर कर लिया है। यहाँ पर लिपस्टिक मैंने थोड़ी सी डार्क कर ली है एंड एक डार्क पिंक कलर की बिंदी मैंने इसके साथ वेयर की है। और बाकी का जो मेकअप है वो सेम है जो लास्ट लुक में था। और इसके साथ मैंने यहाँ पर एक बन बना लिया है और साइड से मैंने थोड़े से बाल जो हैं वो छोड़ दिए हैं। तो ये लुक भी आप क्रिएट कर सकते हैं इस दिवाली पर। नाउ नेक्स्ट जो लुक है ये मेरा फेवरेट लुक है। तो ये ब्लैक कलर की कॉटन की साड़ी है, ब्लैक एंड ऑरेंज कलर की, और ये भी काफ़ी पुरानी साड़ी है। तो ये जो कलर है ये तो हमेशा इन ही रहता है, कभी आउट नहीं होता है। तो इस तरीके की साड़ी आप वेयर कर सकते हैं अगर आपके पास कोई है तो। इसके साथ मैंने ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी वेयर की है, साथ में मैंने वेयर किए हैं ये इयररिंग्स। इसकी जगह अगर झुमके हैं तो वो आप वेयर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लुक देंगे, बट मेरे पास नहीं थे तो ये भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और छोटी सी मैंने एक ब्लैक कलर की बिंदी लगाई है और बोल्ट मैंने काजल लगाया है इसमें, बाकी मेकअप मैंने सिंपल रखा है। और इस लुक को जो कम्प्लीट कर रहा है वो है ये नोज पिन, तो ये भी ऑक्सीडाइज ही है और काफ़ी सुंदर लग रही है। तो इस तरीके की ज्वेलरी कॉटन की साड़ी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगती है, मुझे तो ये लुक काफ़ी अच्छा लगता है और ये मेरा फेवरेट लुक है। तो अगर आपके पास कुछ इस तरीके की ज्वेलरी है या साड़ी है तो आप इस तरीके का लुक क्रिएट कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगेगा और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगा। और यहाँ पर मैंने हैंड्स में कुछ भी वेयर नहीं किया है, बट अगर आपके पास हो तो मिलता जुलता ऑक्सीडाइज कुछ तो वेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कोई सिंपल वॉच भी आप इसके साथ वेयर कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लुक वो इसके साथ देगी। और पूरी वीडियोस में मेरे पिंपल्स को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पिंपल हो रहे हैं। तो मेकअप जितना हो सके मिनिमम कीजिए और नेचुरल लुक जो है वही आप रखिएगा। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आपके पास कोई सजेशन है मेरे चैनल को लेकर तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। और अब आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स के साथ। टिल देन बाय।